अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना शॉपिंग व्लॉग। अच्छा, इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, एक पिकनिक से एक दिन पहले की शॉपिंग व्लॉग, उसके बाद पिकनिक के कुछ क्लिप्स जो मैं व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी, और पिकनिक के नेक्स्ट डे की वीडियो कि हमें यहाँ अगेन क्यों आना पड़ा। तो ये सब मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर हम लोगों को जाना था मार्केट। सबके पास कपड़े तो होते ही हैं, लेकिन जब कोई ओकेजन हो कुछ हो तो अजीब सी भोली सी शक्ल बना के बैठ जाते कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ भाभी और मेरे साथ हुआ। हम लोगों ने अपना कबर्ड खोला, इतने कपड़े होने के बावजूद हमने कहा हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। घर वालों ने कहा जाओ भाई शॉपिंग करके आओ। खैर, यहाँ निकले हैं, सलाम से स्टोर पे सबसे पहले गए, कोई ख़ास वैरायटी नहीं, फौरी तौर पे बाहर आ गए, फिर डाइनर्स पे गए हैं। डाइनर्स और खाड़ी ऐसा है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है। तो डाइनर्स के आउटलेट पर बहुत अच्छी वैरायटी थी, और इन्होंने गाइड भी हमें बहुत अच्छे से किया, एक एक चीज़ दिखाई। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, फंकी कलर्स हों और डिजिटल प्रिंट हों, पिकनिक के लिहाज से चाहिए थी, तो वैसी समझ में नहीं आई। खैर, काफ़ी कुछ देखने के बाद मुझे पैपलम समझ में आया अपने लिए, और भाभी को अपने लिए एक शर्ट समझ में आ गई। अच्छा, पैपलम वहाँ तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से कलरफुल बटन्स थे, सब था, लेकिन वहाँ लेंथ भी सही लगी। घर आके जो वेयर करके देखा है तो उसमें तो मैं कोई छोटी सी बेबी लग रही थी, और वहाँ पर सी साइड पर जब कपड़े उड़ने थे तो मैं तो हवाओं में ही उड़ती रह जाती, नहीं पहना मैंने ये। भाभी को ये शर्ट समझ में आई, वहाँ बहुत अच्छी लग रही, घर आके वेयर करके देखी तो भाभी तो मेरा भाई लग रही थी। खैर, हम दोनों ने नहीं पहनी। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वगैरह करवाइए तो पता चला बारकोड के ऊपर 3% ऐड होता है अब, तो यहाँ पे पेमेंट वगैरह करवाने के बाद तब तो इतना पसंद आ रही थी ये दोनों शर्ट्स, वहाँ से खुशी खुशी निकले हैं कि हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई, अब अब्दुल्ला और भाई के लिए कर लेते हैं। ये अब्बू के लिए ले लेते हैं, और भाई वाला देखा, भाई का ये ले लेते हैं और अब्दुल्ला के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन आउटलेट से अब्दुल्ला के लिए और भाई के लिए शॉर्ट ले लिया था। अब शर्ट लेनी थी, मतलब फॉर यू और लॉगिन जो है ना वो एक ही इन्हीं की शॉप है, तो यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिल जाती। तो हम लोग यहाँ पे शर्ट देख रहे थे, और साथ ही कार्गो पैंट भाभी और मुझे अपने लिए समझ आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने ये ली नहीं। अच्छा, उसके बाद घर आने के बाद काफ़ी सर्चिंग करी अपने कबर्ड में, तो पहना हुआ कुछ पहनना नहीं था, पहनना भी नया था। तो फिर मैं जो है अपनी सारी वर्किंग करती हूँ ना, ड्रेसेस वगैरह, उसमें मुझे ये स्वाय बाय डाइनर्स की कुर्ती मिल गई, डाइनर्स की, और ये बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारा इसका प्रिंट था, तो मैंने यही मतलब उस दिन वेयर कर ली, और ये बहुत अच्छी लग रही थी, पिक्चर्स भी इसमें बहुत अच्छी आई हैं। पहुंच चुके हैं, ये हट है, मैंने पाँव रख लिया, जल्दी है गाइस किचन की, माय गॉड, पर चूल्हा देंगे, बैठ गई है। बालों में मट्टी किसने डाली है, ये मट्टी किसने, क्या हुआ, धक्का दे दिया, नहीं फैमिली नहा रही है ये पीछे, ये देखो अब्दुल्ला, अब क्या होगा, अभी आ रही है बड़ी लहर, बाकी चच्चियाँ। और जाते हुए जितना तैयार शैयार होके खूब ग्लासेस लगा के गए थे ना, वापसी पे नहीं, सबके हाथ में वाइपर पकड़े हुए और सफाई कर रहे हैं लोग, लेकिन अच्छी चीज़ है हम सब साफ करके आए थे। पिकनिक के बिल्कुल नेक्स्ट डे हम लोग फौरी तौर पे निकल गए कुर्तीज़ को रिटर्न एक्सचेंज करवाने के लिए, और सिर्फ कुर्तीज़ ही रिटर्न एक्सचेंज नहीं, भाई के लिए जो शॉर्ट लेके गए थे वो भाई के आया ही नहीं, शर्ट आ गई थी अब्दुल्ला के, शर्ट और शॉर्ट दोनों आ गए थे, लेकिन भाई के शॉर्ट नहीं आया था, तो वो भी एक्सचेंज करवाना था। खैर, डाइनर्स की स्लिप भी हम लोग खो चुके थे, मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि इतने खुश थे, स्लिप ही खो दी कि अब तो इसको रिटर्न एक्सचेंज कुछ भी नहीं करवाना, घर आके माइंड चेंज हो गया, नेक्स्ट डे जब चेंज करवाने जाने बैठे तो थी नहीं। खैर, इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इन्होंने डील बहुत अच्छे से किया, रिटर्न एक्सचेंज बहुत अच्छे से इजीली कर लिया, तो हाईली रिकमेंडेड है, डाइनर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डमी वाले दोनों मैंने डन किए, थंबनेल पे पिक्चर लगाऊंगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से एक्सचेंज करवा के हम लोग निकले हैं, फिर उसके बाद भाई का शर्ट एक्सचेंज करवाना था, लॉग इन शॉप पर दोबारा गए हैं और ये वाली शर्ट अब्दुल्ला के लिए ली थी। खैर, यहाँ से अब्दुल्ला ने मुझे कहा एक मज़े की चीज़ खिलाता हूँ, अंजर वाला बेकरी का नेम था यहाँ पर, अब्दुल्ला नाम तो खास है नहीं, तो अब्दुल्ला ने कहा चीज़ अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो मैंने एक चीज़
और नोट करिए, कैमरा लेकर जब आप अंदर एंटर हो ना तो आपको फुल प्रोटोकॉल मिलना होता है। और जो है ना, उन्होंने मुझे मिठाई भी टेस्ट करने के लिए दी कि आप ये खा के बताइए ये वो। तो मतलब यहाँ की शायद ये स्पेशलिटी थी क्या था, तो इनके पास एक ट्रे भी बनी हुई थी, यानी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो कोई भी इवेंट हो आपका, उसमें आप कर सकते हैं। 150 की आर्ट बहुत रीज़नेबल, एक तो ट्रे भी है फिर उसमें 6 मिठाइयाँ भी हैं, और जो ग्रीन इन्होंने मुझे दी थी ना, इसका टेस्ट कुछ मीठे पान जैसा टेस्ट था, तो ये बहुत मज़े की थी, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और यहाँ हैदरी के मशहूर गोलगप्पे तो जो कि बहुत रश लग के बिकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे तो बैठ के नहीं खाए, घर के लिए हम लोगों ने इनसे पार्सल बनवा लिए थे। रबड़ी चलो इंग्लिश चलो।